हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल अब। तो आज का टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट का है, जो है टीटीएल, मतलब कि ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसको टीटीएल या ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक क्यों बोलते हैं, देखिए जो सर्किट रहता है ना इसका, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक का वो सर्किट रहता है, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन रहते हैं, इसीलिए इसको नेम किया जाता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट। तो आपको जैसे डेफिनेशन लिखना है तो यहाँ पास लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कि टीटीएल इज मेड बाय द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, डेट इज वाई इट इज नेम्ड एज ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट। ठीक है, इसीलिए इसे ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट बोला जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को विजिबल हो, पेन थोड़ी लाइट है। तो इतना आपको पता चल गया। अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम देखिएगा कैसे बनता है, उसके बाद मैं उसको लेबल भी करूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा TTL, मतलब कि ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट का डायग्राम था। अब हम इसको लेबल करते हैं। तो ये जो ए बी और सी है, ये हमारा स्विच है। ठीक है, ये हमारे स्विच हो गए। ये जो है ये डायोड है, एन 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 के नाम से है, और यहाँ से जो जाएगा वो इनपुट रहेगा। ठीक है, और ये जो है ये आउटपुट रहेगा, और यहाँ जो है ये वोल्टेज है वी सी सी, ये वी सी सी है। ठीक है, और ये जो है ये पहला ट्रांजिस्टर, फिर ये दूसरा ट्रांजिस्टर, और फिर ये तीसरा ट्रांजिस्टर। तो इसको हम लोग नेम कर देंगे, ये हमारा T1 हो गया, ये T2 और ये T3। ये हमारे T1, T2, T3 ये तीनों ट्रांजिस्टर्स हैं। तो और ये जो है यहाँ का, ये हो जाएगा एमिटर E, और ये हो जाएगा कलेक्टर C, और ये हो जाएगा B बेस। ठीक है, ये E, B और C हो गया। इसके लिए क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा बेस, ये बेस है कॉमन पॉइंट, और ये जो है ये E है, और ये जो है ये C है। ठीक है, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये B, और ये हो जाएगा C कलेक्टर, और ये जो है ये E एमिटर। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, E1 लिखेंगे, B1, C1, इसको B2, E2, C2 ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि T2 है, T1 है, तो इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं ताकि हमें ही कन्वीनियंट हो बाद में फ्यूचर में, इसको जब हम लोग देखेंगे समझेंगे। तो ये B3 हो गया, ये E3 हो गया, और ये C3 हो गया। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इसको इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे, ये R रेजिस्टेंस है और B1 के साथ है, तो RB1 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और ये R रेजिस्टेंस है जो C2 के साथ है, तो इसको लिखेंगे RC2, और ये जो R रेजिस्टेंस है ये C3 के साथ है, तो RC3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इतना आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे कि क्या फंक्शन है और ये आके कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए, जब हम लोग यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे और इनपुट देंगे, और याद रखिए इस समय इनपुट लो रहेगा। ठीक है, जब इनपुट हम लोग लो देंगे तब क्या होगा, ये जो ई बी है ये फॉरवर्ड बायस में चल देगा, ये ई और बी जो है ये फॉरवर्ड बायस में चल देगा, और ये बी और सी जो है यानी कि B1 और C1 ये रिवर्स बायस में चल देगा। ठीक है, तो रिवर्स बायस में जाएगा तो इधर करंट मतलब नहीं जा पाएगा, वोल्टेज जो है इस साइड यहाँ फॉलो नहीं करेगा, और पूरा करंट जो है E1 और B1 है, EB ये VCC के थ्रू यहाँ पास जाएगा पूरा का पूरा करंट। तो हमें फॉरवर्ड बायस में यहाँ से करंट मिल रहा है, यहाँ पास करंट नहीं मिल रहा है। तो अगर जब B2 में करंट नहीं मिलेगा, मतलब इस ट्रांजिस्टर में वोल्टेज नहीं है। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर में वोल्टेज नहीं है तो इस ट्रांजिस्टर में भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो फॉलो यहीं से हो रहा है, ये तो बंद है, क्योंकि ये अगर रिवर्स बायस, ये टोटल बंद है यहाँ पे, तो ये VCC इसको तो करंट दे नहीं पाएगा, है ना। पूरा करंट जो VCC है पूरा यहाँ तक चले जाएगा EB में, ये ट्रांजिस्टर में कोई भी वोल्टेज या करंट नहीं रहेगा। तो अगर इसमें नहीं रहेगा तो ट्रांजिस्टर 3 में भी नहीं रहेगा, T3 में भी कहाँ से जाएगा, यहाँ से भी नहीं जा पाएगा, यहाँ से भी वोल्टेज करंट नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पास भी हमें करंट या वोल्टेज नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये जो पूरा आउटपुट है हमें, आउटपुट हमें हाई मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये VCC डायरेक्ट यहाँ चले जाएगा, देखिए इसमें नहीं जा सकता, इसमें गया और इसमें गया, तो करंट हमारा पूरा यहाँ से सर्कुलेट होते हुए यहाँ चले जा रहा है, और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, हाई आउटपुट मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पास क्या है, जब इनपुट लो रहेगा, ठीक है, वी स्विच ऑन द सर्किट, देन EB यानी कि इस EB की बात कर रहे हैं, इस EB की, यहाँ पे EB जो है फॉरवर्ड बायस में रहेगा, FB मतलब फॉरवर्ड बायस, और जो BC है मतलब कि बेस कलेक्टर B1 और C1 ये हो जाएगा रिवर्स बायस में, विल बी इन रिवर्स बायस, देन ट्रांजिस्टर विल वर्क इन एक्टिव रीजन। उस समय ये ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव रीजन की तरह वर्क करेगा, और पूरा करंट जो है हमें हाई आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पास हम लिखेंगे लो इनपुट इक्वल टू हाई आउटपुट। ठीक है, लो इनपुट के वक्त हमें हाई आउटपुट मिल रहा है,
यदि आपको फंक्शन समझ में आ गया, मैंने अभी जो आपको समझाया ना वो आपको थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा जब एग्जाम आएगा। तो मैं भी आपको थ्योरेटिकली आपको नोट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको पूरा फंक्शन बता रहा हूँ कि आखिर ये TTL काम कैसे करता है। आप इसे अपने से लिख सकते हैं। और जब जब हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे इनपुट हाई था, अब हम लोग देखेंगे जब इनपुट लो रहेगा। तो यहाँ पर जब इनपुट लो देंगे, ये जो E1 और B1 जो है ना, ये हो जाएगा रिवर्स बायस में, और B1 और C1 जो है वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। तो यहाँ पास क्या हुआ, ये VCC यहाँ पास करंट नहीं दे पाएगा, तो करंट डायरेक्ट कहाँ चला गया, इसमें चला गया जब इनपुट हाई था। तो B1 C1 में हमारा वोल्टेज रहेगा, तो अगर B1 C1 मतलब कि इस ट्रांजिस्टर में जब वोल्टेज है, तो ये हमारा वोल्टेज यहाँ पास भी रहेगा, ट्रांजिस्टर 2 में भी, B2 C2 और E2 में भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पास जब आया तो हम लोग यहाँ से हम लोग इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं B3 C3 और E3, मतलब कि ट्रांजिस्टर 3 में भी हमारा वोल्टेज रहेगा। लेकिन जब ट्रांजिस्टर 3 में वोल्टेज रहेगा, ये जो एमिटर है इसका E3, ये ग्राउंड से टच है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्राउंडेड है। तो जब ग्राउंडेड से टच होता है तो वोल्टेज तो पूरा डिमिनिश हो गया, पूरा वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट रहेगा लो। ठीक है, तो मतलब कि जब हाई इनपुट दिए तो E1 B1 रिवर्स बायस में हो गया, और B1 C1 जो है वो फॉरवर्ड बायस में हो गया। इसके फॉरवर्ड बायस होने से इसमें भी वोल्टेज जाएगा। ठीक है, यहाँ से B2 और E2 ये भी फॉरवर्ड बायस में हो गया। ठीक है, यहाँ से करंट आएगा और इसमें जाएगा B3 और E3 में, तो ये पूरा ग्राउंडेड है। ठीक है, तो करंट हमें कुछ नहीं, वोल्टेज हमें वोल्टेज के वैल्यू कम कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर फंक्शन में हाई इनपुट इक्वल टू लो आउटपुट, हाई इनपुट के दम टाइम पे हम लोगों को लो आउटपुट मिला। ठीक है, तो जब लो इनपुट रहता है ना, या फिर जो लो इनपुट देते हैं और हम लोग को हाई आउटपुट मिलता है, उस समय इसको बोलते हैं कट ऑफ टाइम। ठीक है, कट ऑफ टाइम, इस समय कट ऑफ टाइम बोलते हैं। और जब हाई इनपुट और लो आउटपुट मिलता है, उस समय हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड पॉइंट। ये टर्म्स आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, सेचुरेटेड पॉइंट और ये कट ऑफ पॉइंट है। ये सब जब एग्जाम में आएगा, ये सब जितने जो जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ वो सबको आपको कलेक्ट करने हैं, जितने जितने मैं आपको पॉइंट्स बताया हूँ उसे पॉइंट्स को कलेक्ट करके आपको बनाना है पूरा। ठीक है, TTL। तो इसका अगर हम लोग अगर ट्रुथ टेबल देखें कि इसका ट्रुथ टेबल कैसा बनता है, खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको और मार्क्स चाहिए या फिर पूरा डिटेल में बताने बोले तो आप बता सकते हैं ट्रुथ टेबल को भी। तो देखिए इसका ट्रुथ टेबल कैसे रहेगा, ये ABC, ये ABC क्या है, ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये ABC और C ब्लड पहला ट्रांजिस्टर, ये देखिए T1 T2 और T3 जो है, ये T1 T2 T3, इसको मैंने A और AB और C लिया। ठीक है, तो क्या क्या लिया है यहाँ पे, लो इनपुट है तो हाई आउटपुट मिल रहा है। तो लो इनपुट क्या हो सकता है, 0 0 0, चांसेस देख रहे हैं ना हम, कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, 0 0 1, और उसके बाद 0 1 0, फिर 0 1 1, ऐसे होंगे। ठीक है, 0 1 1, और क्या होते हैं, 1 0 1 1 1 0, और फिर 1 1 1, ये होते हैं इतने पॉसिबल टर्म्स हैं ABC में। ठीक है, तो हम इसका एडिशन करेंगे और देखते हैं यहाँ पास आउटपुट क्या मिलता है, ये जो हमें V आउटपुट है। तो देखिए 0 0 0 है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यही है ना, लो इनपुट में हाई आउटपुट, मतलब उल्टा। ठीक है, 1 मिला, फिर 0 0 1 में इसमें क्या मिलेगा, इसमें भी 1 मिलेगा, और फिर 0 1 0 में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और फिर इसमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इसमें भी 1, इसमें भी 1, और इसमें 0 मिलेगा। जब हाई इनपुट रहेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, 0, मतलब कि लो आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से किसी में भी अगर इनपुट हाई है तो हम लोग को, मतलब किसी में भी अगर लो इनपुट है तो हम लोग को ओवरऑल हाई इनपुट मिलेगा, और अगर ये तीनों के तीनों हाई इनपुट है तो हम लोग को 0 मिल जाएगा लो आउटपुट। इस हिसाब से हम लोग को क्या पता चला, ये किसके बेसिस में है, अकॉर्डिंग टू इनपुट व्हेन VC पॉसिबल आउटपुट। तो इनपुट के हिसाब से हम लोग को पॉसिबल आउटपुट यही मिल सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। और ये जो ट्रुथ टेबल है उससे हम लोग क्या पता चलता है, ये जो ट्रांजिस्टर सर्किट है वो क्या है, NAND गेट है ना। तो लिख दीजिएगा, द ट्रुथ टेबल इज ऑफ NAND गेट, ट्रुथ टेबल NAND गेट का है। सो बेसिक TTL इज ऑफ NAND गेट, तो जो TTL है वो क्या है, NAND गेट है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन में पूछता है 2 मार्क्स में कि TTL हमारा कौन सा गेट है, कौन सा लॉजिक गेट है, तो आप बता सकते हैं TTL हमारा NAND गेट है। ठीक है, ये था हमारा TTL, मतलब ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसका पूरा सर्किट डायग्राम के साथ मैंने आपको फंक्शन बता दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, तो आप ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा। थैंक यू।